स्टार्टिंग 2 months डायर किया था एज अ ग्राफिक डिजाइनर, पूरा काम किया। फिर 1 month कंप्लीट होने से पहले, उसके 5-6 दिन पहले मैंने छोड़ दिया बिकॉज आई हैड सम इमरजेंसी इशूज। तो उसके बाद जितने दिन मैंने काम किया, मैंने उन दिनों का पैसा मांगा। दैट इज़ आई हैव वर्क फॉर समथिंग अराउंड 27 डेज। उसका होता है समथिंग अराउंड 30,000 रुपीज़ सैलरी मुझे मिलनी चाहिए थी, तो इन्होंने मुझे दी नहीं सैलरी। और इन्होंने बस करते गए कि मतलब डीले करते गए कि मतलब अभी मिलेगी, तभी मिलेगी, मतलब कल परसों मिलेगी और ऐसा वैसा। फिर मैं अपनी आंटी को लेके गई, आंटी ने बात की, तो जो यहाँ के मैनेजर है मिस्टर भरत राठौड़, उन्होंने मुझे बोला कि आपको 10 दिसंबर को आपकी सैलरी मिल जाएगी। और मुझे इनफैक्ट बाकायदा मेल भी भेजा। तो मेल देने के बाद आई वॉज़ वेरी रिलैक्स कि ठीक है चलो मिल जाएगी सैलरी ये वो। और अभी वापस आज 15 दिसंबर हो गए और मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली। जी मेरे पास ऑफ़र लेटर है, कोई शर्तें वर्तें नहीं है। और इनफैक्ट मेरे ऑफ़र लेटर में तो ये भी लिखा है कि इवन इफ़ आई लीव द जॉब माय मनी विल नॉट गेट डिडक्टेड। मैं तो वेट ही कर रही थी, मेरे को ऐसा लगा कि प्यार मोहब्बत से मिल जाएगी, पैसे तो अच्छी ही बात है, ऐसे अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं हेल्प ले लूँगी, पुलिस स्टेशन चले जाऊँगी और ये वो जैसा भी है। एक तो यहाँ के नहीं, पुलिस स्टेशन में अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं की, बिकॉज मुझे प्यार से पैसे मिल जाते ठीक है, बिकॉज़ यहाँ का मैनेजर भी मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है, ना यहाँ के ओनर्स मेरे कॉल्स उठा रहे हैं, ना मेरे मैसेजेस के रिप्लाई कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने यहाँ तक ओनर को भी मैसेज किया और कॉल करने की कोशिश की कि सर मेरा जितना भी बनता है मुझे दे दो। मेरा जो इंटरव्यू था वो यहाँ का ओनर है, ओनर मिस्टर खालिद, और यहाँ का जो मैनेजर है मिस्टर भरत राठौड़, उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू लिया था और मेरे को ऑफर लेटर दिया था दैट योर सैलरी विल बी 35,000। तो आपने जब भरत जी से बात की तो भरत जी ने क्या रिप्लाई दिया? भरत जी ने बस मुझे ऐसे ही बोलते गए कि आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। स्टार्टिंग में तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, फिर जब मैंने अपनी आंटी को इन्वॉल्व किया ये केस में, तभी उन्होंने फिर जाके मेरे को अनब्लॉक किया। और फिर वो डीले करते गए कि आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी ऐसा। तो जॉब के लिए जब आपने जी बोलिए, आप कंटिन्यू रहो, आप बोलो जी, क्या बोल रही थी आप? भरत जी से जब आपने सैलरी की बात की तो क्या उन्होंने बात करी आपसे? वो तो उन्होंने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, उन्होंने तो मुझे ब्लॉक ही कर दिया। आप बोलो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया और ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं और ना मेरी कॉल्स को आंसर करते हैं।